It was very unexpected for me as well. मैंने कभी करा ही नहीं आज तक रियलिटी टीवी शो. एंड व्हेन आई गॉट द ऑफर आई वाज लाइक, पहले तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट थी. आई वाज लाइक पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन आई वाज लाइक नहीं करते यार, बिकॉज इट्स गोना बी एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. मतलब मैंने एक तो कभी रियलिटी टीवी शो करा नहीं, सेकेंड खिलाड़ी वेयर यू नो वी गेट टू डू ऑल द एडवेंचर्स इन लाइफ. लाइक आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, बट मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं करा. सो आई वाज लाइक ठीक है, यही है मेरा चांस अभी. अब Let's go all in. I think a day, एक दिन लिया होगा मैंने तब, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि if I should, you know, सबसे पहली इमेज यही आती है कि सांप और कीड़े और ये सब है ना, बिकॉज मेरा सबसे बड़ा फेयर है कीड़ों का. तो मुझे सबसे पहला थॉट यही आया था कि कुछ खाना ना पड़े, कीड़े ना खाने पड़े, सांपों के बीच में डाल देंगे नो ऑल ऑफ दैट. तो एक दिन लिया मैंने सोचने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें जिसके लिए आपको माइंड मेकअप करना पड़ता. So, Asta, we would like to know from you कि खतरों मतलब असली वाला खतरों, अलग अलग तरह के फियर से आपको सामना करने मिलेगा, बट आपको किस चीज से फोबिया है? सबसे बड़ा फोबिया मेरा इंसेक्ट्स का है और एक नीडल का है. नीडल्स मतलब इंजेक्शन लगवाने मुझे बहुत डर लगता है, और इंसेक्ट्स से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है. तो आई थिंक ये दो सबसे बड़े फोबियाज हैं मेरे, जिसमें से कि नीडल वाला मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अपना ओवरकम कर चुकी हूँ. क्योंकि फॉर दिस, फॉर खतरों के खिलाड़ी, हम लोगों को बहुत सारे वो फिजिकल टेस्ट वगैरह सब कराने पड़े, बॉडी टेस्ट, और उनमें इंजेक्शन ब्लड निकालते. तो मेरा वो वाला फियर खत्म हो गया. सो नाउ अब सेकेंड वाला रहता है कीड़ो वाला. सो दैट आई एम गोना डेफिनेटली एक्सप्लोर इन खतरों के खिलाड़ी. So, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की है आपने या क्या माइंडसेट है आपका? मतलब अभी अगर कोई ऐसा स्टंट आता है, कोई टास्क आता है, तो ऐसे में क्या कुछ माइंडसेट है आपका? तो बेसिकली सी फिजिकली हम लोग ज्यादा, मैं तो नहीं कर पाई प्रेपरेशंस, क्योंकि आई रिसेंटली गॉट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. ओके, सो लाइक अ मंथ बैक. तो आफ्टर कोविड यू नो योर बॉडी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ रियली गोज डाउन द ड्रेन. मतलब उसके बाद आपके एनर्जी नहीं रहती है, यू नो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक फील करते हो. तो अभी आई एम स्टिल इन दैट फेज, बट मेंटली आई एम वेरी स्ट्रांग. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल द स्टंट्स दैट वी गेट देयर, हाफ ऑफ द गेम इज मेंटल, राइट? अगर आप मेंटली इफ यू आर देयर, आई थिंक इट्स देयर आर चांसेस ऑफ यू टू विन, यू नो, ऑफ विनिंग. सो या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड. So, also we would like to know from you, क्योंकि रफ्तार से आप काफी ज्यादा क्लोज है एंड रफ्तार has been, you know, into other shows जहाँ पे टास्क वगैरह परफॉर्म करना पड़ता है. So, जब आपने उनको बताया, तो किस तरह का सजेशन, फीडबैक या टिप्स या किस तरह की ट्रेनिंग उनसे मिली? उन्होंने बोला जा बेटा करके आ, झंडा गाड़ के आई हो, भाई का नाम रोशन करके आई हो. That's what he said. So, आज तक हमने देखा है कि इस बार के जो खतरों के कॉन्टेस्टेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, बहुत ही अलग लेवल के हैं. दे हैव बीन, यू नो, जो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही कई सारे टास्क कर चुके हैं, लाइक उनका प्रोफाइल हर एक का बहुत तगड़ा है. तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपका सबसे तगड़ा कॉम्पिटिशन कौन हो सकता है? सबसे तगड़ा कॉम्पिटिशन, ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक I mean, boys में बताओ कि girls में कि overall? Both. I think Abhinav Shukla and Arjun Bijlani, they're like two strong contenders. And in girls, I think Mehak has been training a lot. Because I recently started following everyone and मैं देख रही हूँ कि सब तैयारी कर रहे हैं. और यहाँ पे gyms भी नहीं खुले हैं दिल्ली में, so I couldn't even like work out and you know prepare for it. But like ठीक है, देखी जाएगी. But these are like three strong contenders that I feel जो कर सकते हैं अच्छा. So Rohit Shetty is going to host this season as well, and you must be aware about his temperament. कि आप जब शो आप कभी किसी टास्क को अवॉर्ड कर देते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन उनका देखने को मिलता है? तो उसके लिए कितने प्रिपेयर हैं आप? प्रिपेयर ही है, मतलब वैसे मेरे को लगता नहीं है मैं अवॉर्ड करूंगी, क्योंकि हार मानी नहीं मैंने कभी जिंदगी में. तो अवॉर्ड करना तो मुश्किल है, बट है उनका टेम्परमेंट से थोड़ा तो डर लगता है, बिकॉज कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया ये. बट वो सी
वो रियलिटी है, जो भी वो बोलेंगे ना आई एम प्रीटी श्योर ही विल से व्हाट, अगर मैंने कुछ गलत परफॉर्म किया होगा तभी बोलेंगे, सो आई एम रेडी, मम्मी पापा की डांट भी तो सुनते ही है ना। बिल्कुल। तो आस्था, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, लाइक पिछले जितने भी सीजन हुए हैं, अराउंड 10 सीजन हुए हैं, आपने किसी को फॉलो किया है और एक्स कंटेस्टेंट में से किसी से कोई सलाह ली है आपने? एक्चुअली नहीं लिया है ये, आपने मेरे को अभी अभी आइडिया दिया, मुझे ले लेनी चाहिए किसी से एडवाइस, बट आई थिंक ऋत्विक परफॉर्म्ड रियली वेल एंड आई करण वाही आल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल। ओ हां, आई कैन आस्क करण आल्सो। ठीक है, अब मैं आज नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज आई एम गोना कॉल करण एंड आस्क हिम कि भाई कैसे क्या होता है, यू नो ऑल ऑफ दैट। So, हमने आपकी स्टोरी में भी देखा दैट आपकी पपी वाज नॉट, योर पपी वाज नॉट अलाउइंग यू फॉर पैकिंग, तो कितना मिस करने वाली है उनको भी? मैं उसको बहुत मिस करने वाली। मैं एक्चुअली एक दो दिन के लिए जाती हूँ, तब मेरी जान निकल जाती है, अभी तो मेरे को काफी लंबे टाइम के लिए जाना, तो मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है। बेला सी शी इज राइट हियर, शी इज गोना बी शेयरिंग द कैमरा विद मी। आई कम, हाय, रियली मिस हर, आई एम नॉट लीविंग हर साइट एट ऑल, मतलब मेरे को लग रही मेरी नजरों से दूर नहीं जानी थी जब तक मैं घर पे हूँ। Alright, thank you so much Aastha for joining with us on Bollywood Spy. मैं Bollywood Spy की सारे ही viewers, आपके सारे ही fans और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप safely जाएं, अच्छे से खेलें और thank you so much for your time. Thank you so much, Roshni. Take care. Be safe.